जैसा कि उन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया था, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, बुलाया नहीं गया, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। आप तुम्हारे डंका बज रहा, ढिंडोरा पीट रहा, पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो, 1947 में 1950 में दो जन्म तिथियां हैं, 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की। 9 साल सबसे बुरा हाल इसलिए कि देश की पहलवान बेटियां आज भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला बाल विकास मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियों का हाल बेहाल है। तो इससे बड़ा बुरा हाल क्या हो? देखिए, मान सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। बेशक संसद भवन के उद्घाटन 1 महीने बाद हूँ, देश में संविधान भी है सबसे ऊपर। संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब समानता का अधिकार है, सबको बरोबर देखा जा रहा है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता पर जब यौन शोषण का आरोप लगता है और पास्को एक्ट में जब 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी होती है, तो यह असमानता क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री चुप है? इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाला जाएगा। तो ऐसा कौन सा भूचाला आएगा? कल गए पार्लियामेंट जा रहे, कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है वहाँ, पार्लियामेंट है। अच्छा सुनिए, संविधान का उल्लंघन करने वाले आप नए संसद भवन से क्या प्रधानमंत्री जी कल घोषणा करेंगे कि देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ? इन्हें 1 साल बाद भी हो सकता है। देश की बेटियां बैठी हैं, हिंदू की बेटियां बैठी हैं, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी हैं, और हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। आप एक बात बताइए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तब भी आप क्या जलेबी बना रहे होते? यही लड़कियां अगर पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती तब भी क्या आप यही जलेबी बना रहे होते? बलात्कारी अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह होता तब भी क्या आप यही सवाल कर रहे होते? आप लोग देखिए, जलेबी तो कल आने दिया जाएगा आप लोगों को लग रहा है? देश हमारा है कि उनका है? अरे भाई बताओ ना, देश हमारा है कि उनका है? हम मालिक है ना? अरे भाई सुन रहे हैं, लेवल की मीटिंग हो रही है। अरे भाई सुन तो लो, अरे वह पत्रकार हो कि क्या हो यार, वो खुद कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ। और चौकीदार का मालिक कौन होता है? मालिक तो देश की मालिक कौन है? देश की जनता। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो संसद के अचार डालने के लिए बना है, उद्घाटन होगा। आप बताओ, अरे भाई अगर सुन रहे वो संसद की शोभा कौन? हिंदुस्तान की 145 करोड़ आवाम। जब हमारा इज्जत नहीं, इसका मतलब उस लोकतंत्र के मंदिर का। तो 19 पार्टियों ने विरोध करते हुए कहा है कि महिलाओं का अपमान है, आपको नहीं लगता? राष्ट्रपति का वोट क्या है, प्रथम नागरिक है या थर्ड नागरिक है? तो पहले किसका हिस्सा होता है? पहले बाप की बेटा। पंकज जी आपको, अरे सुनिए ना भाई, अरे सुन तो लो यार, फिर पंकज जी सुन तो लो, पहले बाप की बेटा। प्रथम नागरिक कौन है? देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। तो उद्घाटन किसको करना चाहिए? क्या यार, क्यों नहीं करने दिया जा रहा? चूंकि आदिवासी है, महिला है, जैसा कि उन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया था, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, बुलाया नहीं गया, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। आप घुमा रहे, डंका बज रहा, ढिंडोरा पीट रहा, राजीव गांधी जी को अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके खड़ा था, तो उस समय क्या हो रहा था? डंका नहीं बज रहा था? प्रतिभा पाटिल को, अरे सुन तो लो बेशर्मो, प्रतिभा पाटिल को पैर छू के प्रणाम किया जा रहा था, मिसाइल मैन अब्दुल, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे, सुनने का पैसा लग रहा? मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष चरण वंदना करते थे, वो एक शिष्टाचार की बात है। आप उसको व्यापार कर दो, अब देखो क्या है, आप लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते, कोरोना में व्यापार कर लेते, कोई निर्भया कांड हुआ उसमें व्यापार कर लिया, देख लो खत्म करने से करता भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा होता तो ये बात करता? पंकज जी सही था, सही लड़के उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। पढ़े लिखे तो है ना, पढ़े लिखे तो है, दो डिग्री दिखाई, गुजरात की दिल्ली विश्वविद्यालय, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय वो पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो, 1947 में 1950 में दो जन्म तिथियां हैं, 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया, फिर ये 35 साल से 40 साल भीख मांगे। अब एक बात बताओ, जो आदमी 40 साल भीख मांगा और 17-18 साल में शादी करके छोड़ दिया, तो 40-18-58 हो गया, तो कब ये गुफा में जाके तपस्या की? अरे भाई सुन तो लो यार, सुने रहे, 58 साल ऐसा ही निकल गया। अरे भाई सुन रहे, भाई सुन तो लो, उन्होंने खुद कहा है, मैंने कहा है, पूछो जाके 45 साल उन्होंने भीख क्या मांगी है? तो जो आदमी 60
साल उनकी उम्र कितनी है? वो तो कहते हैं अरे भाई सुन तो रहो यार, सुन रहे उनकी उम्र क्या है, मैं पूछ रहा हूँ उनकी उम्र क्या है? 72 साल में। अरे सुन तो भाई, कब वो चाय बेचे, कब टेलर पर कपड़ा सिलाने गए 56 इंची का, उधर 65 इंची का कर्नाटक की जनता ने नाप लिया, 65 का है, सुनने दे। कब गुफा में मंदिर पढ़ने गए, कब वो चाइना वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तक गरम चाय करने गए, बताओ ना। देखे निश्चित तौर पर आपने देखा होगा किसी, आप जब इनके सर्टिफिकेट का नहीं, इनके पूरी चुनावी हलफनामा देखेंगे, इन्होंने सब कुछ छुपाया। प्रधानमंत्री जी जब बच्चा थे तो घर में चोरी की, समझो कहना जी, इनके परिवार का कहना है कि उसी कारण इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2004 में प्रधानमंत्री जी क्लोजर रिपोर्ट लगा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, आपने देखा होगा कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को लड़की अगवा करने का आरोप लगाया था, प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के हलफनामे में वैवाहिक जीवन का जिक्र नहीं था, ये तो सोशल मीडिया आम पब्लिक का योगदान था जिन्होंने जसोदा बेन को ढूंढ के ले आया। अब वो बेचारी जसोदा बेन न सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही, घुट घुट कर मरती रही। जब उनकी सास का देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री जी चूंकि उनके पुत्र थे, कंधा दे के भागाए, न मुंडन कराए, न अपनी गर्भ अपनी जसोदा बेन को वहां जाने अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया, हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ था। मोदी जी को आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है तो भैया हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जो कोरोना के टाइम में, अरे भाई से भटक रहे आप देश में, कोरोना में लाखों लोग चील कौवे नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे, तब आपने सवाल नहीं किया। सवाल जो था आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, क्या प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव लड़ेंगे? देखिए जब सजा होगी, जब सजा होगा, जब एक ही बात है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का पूजा होता है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षसों की बात करते हैं, सीधा सा बात समझो। तो सीधी सी बात है, जो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है वो कितना बेशरम है, कितना बेशरम है, क्यों नहीं उसकी बात कहती है, सीधा सा बात है। केजरीवाल को गुजरात कोर्ट ने बुलाया डिग्री के मामले में, हाई कोर्ट क्यों नहीं बुलाएगा? सुकरात के खिलाफ 200 लोगों ने गलत फैसला दिया था तो क्या फैसला सही हो गया? देखिए कोलोजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक उनके मनचाहे जज बनते रहेंगे और उस हिसाब से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। देखो दूसरी बात, जो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, टीटीपी के 5 सांसद, तमाम वो कांग्रेसी नेता जिस पर आरोप लगता था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जैसे ही भाजपा में गए वो दूध सी सफेदी, भाजपा वाशिंग पाउडर, इधर से शुभेंदु अधिकारी डालो शारदा नारदा वाले, उधर से नेता प्रतिपक्ष के निकालो, उधर से जमीन स्कैम वाले निकालो, उधर से नारायण राणे जैसे मंत्री निकालो बनाओ, तो इनका क्या है, अंग्रेजों की नीति थी फुट डालो राज करो, और इन काले अंग्रेजों की नीति क्या है, फुट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, अब मौका लगे तो देश छोड़ के भाग डालो। तो कल आप जा रहे हैं पार्लियामेंट? देखो जाने दिया जाएगा तभी तो जाओगे, जब जाने ही नहीं दिया सवाल जाएगा तो है ना। सवाल तो वही है ना, इतनी हिम्मत नहीं है इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी में। हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के बारे में सुना, अकबर रोड में उनका आवास था, महिलाएं सर पर बोझ लेकर जा रही थी और पुलिस नहीं आने दे रहा था, तो उन्होंने कहा इधर से ही जाओ, ऐसे नेता चाहिए ना, ऐसे नेता थोड़ा ना चाहिए कि संसद भवन का वहाँ उद्घाटन होगा और वहीं पर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर सील कर दे। बताओ ये तो क्या चाह रहे, राहुल गांधी की तरह मोदी जी भी ट्रक में जाए क्या? अब राहुल गांधी तो नेता नहीं है तो वो आम इंसान ही है, शर्म उरम तो है नहीं है किसी को भी, पत्रकार 80,000 करोड़ का प्लान लेना जरूरी है क्या? अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस है, अरे सुन तो लो, देश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए ट्रेन नहीं है, दिल्ली में डीटीसी बस बंद हो गई, क्लस्टर बसें बंद हो गई, जिस पॉल्यूशन के कारण क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान सब बीमार हो रहे, उस पर आप बात नहीं कर रहे, लेकिन लेंगे तो वही बात है, बाप मरा अंधेरे में बेटा के नाम पावर हाउस, हम चलेंगे 85,000 करोड़ के प्लान पर, देश की जनता बस में भी ना चले। अब एक बात बताओ, जिस दिल्ली सरकार का चुनाव कराने का क्या औचित्य है जब आप उसको
ट्रांसफर पोस्टिंग काम करने का अधिकार ही नहीं दोगे। ये सब जगह उंगली करते हैं, सब स्टेट में जाकर, जिस स्टेट में देख लो, और उससे मौका मिल जाता है तो सीबीआई इनकम टैक्स भेज देते हैं। आखिर वो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब अध्यादेश लाया तो यहाँ के राज्यपाल को चाहिए कि दिल्ली में बस की कमी है, पहले बस पूरा करे। 85,000 करोड़ रुपया में कितने बस आते? पूरी दिल्ली की आवाम, जहाँ दूसरे राज्यों के लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग बस में चढ़ेंगे, वो पाकिस्तान के लिए चढ़ेंगे। मैं पूछ रहे हैं आपसे, अरे भाई कहाँ अब, अरे हम लोग देश के नहीं हैं, अरे हम लोग विदेश के हैं, कहाँ पत्रकारिता करते हुए लीजिए, देश के लिए चलेंगे, अरे देश के लिए चलते तब वो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहन के सुनने की बात नहीं, क्या कर रहे हैं? झोला पर भी फोटो, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो शौचालय भी जाते नहीं, तो 4 कैमरामैन लेके जाते। अच्छा। देखो गंगा में 2 लोटा तैर रहा था, एक पेंदी का लोटा पीतल का, एगो बगैर पेंदी का लोटा। गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, भला किसी को देखा है इतना इतना कैमरा? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करने गए थे कि फोटो खिंचाने गए थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई गंगा में गौमुख से लेकर गंगा सागर तक करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो ये क्या मतलब है? हर आदमी खाना खाता है, फिर वही बात। तो प्रधानमंत्री है तो कैमरामैन तो पीछे जाएंगे ना भाई, हम क्या करें? आदमी की समस्याएं क्या है? आदमी की समस्या है रोटी कपड़ा मकान, आदमी की समस्या है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, आदमी की समस्या क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। आदमी की समस्या क्या है? बहन बेटियों की चीज जताबरू लूटी जा रही है, उस पर सख्त से सख्त कानून बने। तो मोदी जी बात करते हैं ना, बात करते हैं लगातार, जली की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मन की बात कहते हैं। बकवास ना करो, सुनो आप एक बात बताओ, देश की राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में बस की सुविधा नहीं है, दिल्ली वालों को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, हर साल 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होता है, तो उसके लिए क्यों नहीं आप काम करते? आप देखो वर्ल्ड की एक देश है मैक्सिको, वहाँ प्रदूषण की समस्या थी, वहाँ मेट्रो सार्वजनिक बस की व्यवस्था इतनी हुई और लोकल ट्रेन की, वहाँ पॉल्यूशन खत्म हो गया, और हमारे यहाँ बस ही खत्म हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया। आज हम एक दिन दो दिन आप जाके माँ गंगा की छपाई कराएंगे, माँ यमुना की छपाई कराएंगे, और सारा पैसा कटक जाएंगे। आज तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कोई चर्चा हुआ? अगर हम जिसको माँ कह रहे हैं अपनी माँ के मुंह में ही घर का सारा कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, आप बताओ, और उसके नाम का पैसा चटकर जा रहे, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगा? तो आप चर्चा उन चीजों का करना था। देखिए देश रहेगा, देश की जनसंख्या रहेगी, देश का आवाम जिंदा रहेगा, हमारा देश महफूज होगा, तो कभी भी संसद, एक संसद क्या 10 संसद बना लो, जैसे ग्रीष्मकालीन अलग बना लो, शीतकालीन अलग बना लो, वर्षाकालीन अलग बना लो, कोई दिक्कत है ना? लेकिन अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली, यहाँ देश परेशान है, और अपने 85,000 करोड़ का प्लान ले लो। तो ये है कि आप पार्लियामेंट जाएंगे तब क्या बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा? एक बात बताओ, देश में सारी समस्या का समाधान नए संसद भवन जाने से हो जाएगा? क्या पुराने संसद भवन से कानून नहीं बन सकता था? बात उसकी नहीं हो, आप लोग बेतुका सवाल करते हैं। सवाल आपको क्या करना था? जब ये देश की बेटियों ने सवाल किया तो आपको आखिर इन बेटियों का साथ देना था। प्रधानमंत्री जी को आते